तो एक बार डैमेज जो जो है वो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये जो हेड है ये हेड टोटली डैमेज हो चुका है, इधर पे इंडिकेटर जो है वो भी डैमेज हो चुका है, एंड कूलेंट देखो इधर पे है लेकिन जो जिधर पे स्टोर होता है कूलेंट वो जगह से ड्रेन हो चुका है टोटल कूलेंट। तो इसी कारण के लिए बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, एंड इधर पे देखो इधर पे भी टूट गया है, एंड इधर पे मैंने जो बोला रेडिएटर रेडिएटर कवर भी टूट गया, पता नहीं रेडिएटर कवर आया है या फिर नहीं। इधर पे एक भी इधर पे एक कवर रहता है वो भी नहीं है, वो भी टूट गया है। ये लेग गार्ड जो है वो भी देख सकते हो बैंड हो गया है, तो देखता हूँ कितना खर्चा आता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप लोग देख रहे हो विंस लेटेस्ट व्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। सो गाइस आज बहुत दिनों के बाद इस बाइक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद ये बाइक को निकाला हुआ है एंड इस बाइक को आज ठीक करने के लिए लेके जा रहा हूँ। आप लोग इससे पहले वीडियो शायद से देखे होंगे कि ये जो बाइक था मेरे दोस्त का ये एक्सीडेंट हुआ था। ये देखो ये सब टूट गया था, रेडिएटर टूट गया है। तो धीरे धीरे करके अभी हम लोग जा रहे हैं इस बाइक को रिपेयर करने के लिए। तो जो पार्ट्स ऑर्डर दिया था कुछ पार्ट्स आ गया है, तो वो पार्ट्स आज जैसे कि हेड लैम्प रेडिएटर ये सब तो आ गया है, ये सब आज लगाएंगे। एंड ये जो इंडिकेटर है ये टोटली आज जो है चारों इंडिकेटर चेंज करके एलईडी इंडिकेटर कर देंगे, एंड शायद से लुकिंग ग्लास भी उतार देंगे। तो चलो अभी देखते हैं एंड कितना खर्चा आता है वो भी आप लोगों को बताएंगे। इधर पे भी देख सकते हो कि एक खर्च आया था यूएसडी फोक्स में, क्योंकि ये BS7 का न्यू मॉडल बाइक है। तो चलो अभी मोटो व्लॉग में चलते हैं। सो गाइस क्या होता है, इससे पहले अगर आप लोग ये वीडियो मतलब इस बाइक के एक्सीडेंट का वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो रहा है हीटअप जो लाइट है ना NS का वो जल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। जो कूलेंट है वो सब ड्रेन हो गया है, इसी कारण के लिए बाइक जो है बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। इस बाइक का इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं हुआ, बहुत दिन वेट किया इंश्योरेंस क्लेम के लिए, इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं हुआ। फिलहाल मेरा जो दोस्त है वो खुद से ही ठीक करवा रहा है ये बाइक को। तो कितना खर्चा आता है वो भी आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एंड और एक चीज़ जो बताने वाला हूँ, क्या हुआ था, मेरा दोस्त ने तो ये बाइक क्रांति से ख़रीदा था क्योंकि 1000 रुपीज़ उसको डिस्काउंट मिल रहा था, एंड जलपाईगुड़ी में 1000 रुपीज़ ज़्यादा था। तो इसी चक्कर में उन्होंने तो उधर से ख़रीद लिया, मतलब मेरा जो दोस्त है वो ख़रीद लिया उधर से। एंड उन्होंने क्या किया, एक बेकार कंपनी का इंश्योरेंस जो है वो करवा दिया कि जब भी आप लोग बाइक ख़रीदो आपके नियरेस्ट जो शोरूम है उधर से ही खरीदो, दूसरे शोरूम से मत खरीदो डिस्काउंट के चक्कर में। अगर डिस्काउंट में चक्कर में जाओगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम अभी इस बाइक का नहीं मिल रहा है। गलत कंपनी, मुझे पता नहीं वो कंपनी कैसा है या फिर अच्छा है या फिर बुरा है, मुझे जितना पता है उतना अच्छा कंपनी नहीं है। तो इसी कारण के लिए इस बाइक का इंश्योरेंस क्लेम जो है वो नहीं हुआ, एंड ये जो बजाज का शोरूम है इधर से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसी कारण के लिए, क्योंकि ये जलपाईगुड़ी शोरूम से ख़रीदा हुआ नहीं था बाइक, ये दूसरे शोरूम से बाइक ख़रीदा हुआ था, 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था उस शोरूम पर, तो इसी कारण के लिए उधर से ख़रीदा था। मैंने उसको बोला था कि इधर पर आ जाए, इधर से ख़रीदा, नहीं सुना था वो, डिस्काउंट के चक्कर में उधर पर चला गया था। एंड अभी देखो कितना ज़्यादा भरना पड़ेगा, अभी शायद से 6-7 हज़ार तो लग जाएगा मुझे जो लगता है, क्योंकि जो जो पार्ट डैमेज हुआ है। एंड ये बजाज का बाइक है इसी कारण के लिए कम लग रहा है, अगर ये अगर यामाहा का बाइक या फिर TVS का बाइक होता तो और भी ज़्यादा प्राइस लग जाता इस बाइक का, मतलब इस बाइक को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि यामाहा का जो पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, एंड TVS का भी जो पार्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है, एंड बजाज का जो सर्विस कॉस्ट है वो भी कम है, एंड बजाज का जो पार्ट्स रहता है उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी कारण के लिए तो देवुदा से कांटेक्ट किया था, तो देवुदा जो इसका बाइक का जो पार्ट्स है जो जो डैमेज हुआ है वो ला के दिया है, देखता हूँ कौन सा पार्ट्स आया है। जो जो पार्ट्स आया है वो पार्ट्स आज इस बाइक में इंस्टॉल करेंगे। एंड बहुत दिनों के बाद मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो लो मेरा हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ शायद से इसी कारण के लिए, क्योंकि अभी तो मैं ज़्यादातर रिव्यू वीडियो ही करता हूँ। एंड ये देखो बाइक का हीटअप लाइट जो है वो जल गया है, फिर से बंद हो गया है, इधर भी हीटअप लाइट जला था, अगर आप लोगों ने ख्याल किया वीडियो में तो ज़रूर कमेंट करना। तो सामने ही देवुता के शॉप है, तो इसी कारण के लिए मैंने अभी रुका नहीं, चल रहा हूँ। तो आप लोग एक्सीडेंट का वीडियो मतलब एक्सीडेंट का दो वीडियो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी इस बाइक के ऊपर, वो दो वीडियो देखना, तभी आप लोगों को डिटेल में मालूम चल जाएगा कि क्या क्या सीन हुआ था इस बाइक के साथ। बाइक का तो टर्न अभी भी बहुत कमाल का है, एंड इसका साउंड ये देखो हीटअप लाइट जल गया है, ये देखो। तो यही दिक्कत, हाँ तो यही दिक्कत है इस बाइक का अभी फिलहाल, इंजन लाइट भी जल रहा है,
কিরে ইঞ্জিন লাইটও জ্বলতেছে पता नहीं है कि वो इंजन लाइट जो है वो भी जल गया है। ये तो कोई इंजन लाइट भी जल रहा है पता नहीं क्यों। तो दिखाता हूँ देवुदा देवुदा को था। तो एक बार डैमेज जो है वो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये जो हेड है ये हेड टोटली डैमेज हो चुका है। इधर पे इंडिकेटर जो है वो भी डैमेज हो चुका है। एंड कूलेंट देखो इधर पे है लेकिन जो जिधर पे स्टोर होता है कूलेंट वो जगह से ड्रेन हो चुका है टोटल कूलेंट। तो इसी कारण के लिए बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। एंड इधर पे देखो इधर पे भी टूट गया है। एंड इधर पे मैंने जो बोला रेडिएटर कवर भी टूट गया। पता नहीं रेडिएटर कवर आया है या फिर नहीं। इधर पे एक कवर रहता है वो भी नहीं है वो भी टूट गया है। ये लेग गार्ड जो है वो भी देख सकते हो बैंड हो गया है। तो देखता हो कितना खर्चा आता है। सो गाइस इस बाइक का तो काम अभी चालू हो चुका है। हेड जो है वो रिमूव कर दिया है एंड सब पार्ट्स जो है वो आ गया है। एक दो पार्ट्स सिर्फ बाकी है। एंड ये है इसका रेडिएटर ये है रेडिएटर भी चेंज होगा देख सकते हो। इसका कवर नहीं आया शायद से कवर है नहीं कवर जो है वो नहीं आया मतलब इसके ऊपर एक कवर रहता है वो नहीं आया है। एंड इधर पे हेड का जो असेंबली है वो उतर रहा है। तो ये है न्यू हेड असेंबली क्योंकि वो टूट गया है आप लोग देख सकते हो वो था पहले। एंड ये है न्यू इस जगह से टूटा था वो। प्राइस कितना है इसका तो इसका दाम है 1300। तो सब पार्ट्स का मैं दाम जो है मतलब प्राइस जो है वो आप लोगों को बता दूंगा एंड में। इसका प्राइस कितना है 4600 रुपये। इसका दाम है 4206 रुपये टोटल सेट सिर्फ कवर नहीं है। तो ये भी चेंज होगा क्योंकि ये भी टूट गया था इधर से। एंड ये भी चेंज होगा। ये है विंडशील्ड खराब हुआ था क्या उनचिल ये भी आया है। ओह अच्छा अच्छा ये पुराना वाला ही है मैं सोच रहा हूँ ये न्यू आया है। ये सिर्फ न्यू आया है ना। ये देखो ये है टूटा वाला एंड ये है न्यू वाला। इसमें फर्क तो यही है ये लोगो उठा के इधर पे चिपका दूंगा। ये चेंज नहीं होगा तो न्यू आया है ये नहीं पुराना वाला ही लगेगा। अच्छा अच्छा इसका एक्स्ट्रा मिलता है तो इसे एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है इसको। नहीं नहीं मैंने सोचा था ये पैनल जो है ये भी टूट गया है मैंने ये सोचा था। ये स्क्रू भी एक तो स्क्रू भी लेना होगा तो ये भी अलग से खरीदना पड़ेगा। सब अलग अलग प्राइस है। ये है इसका मीटर एंड ये है पुराना टूटा हुआ माल देख सकते हो। ये टूट गया था टोटल पैनल जो है ये चेंज होगा। सिर्फ मैंने सोचा था ये असेंबली को चेंज कर सकते हैं लेकिन ये चेंज नहीं होगा टोटल जो असेंबली है यही चेंज होगा। ये तो को अंदर पे अगर 1000 रुपीज़ के डिस्काउंट के चक्कर में नहीं पड़ता तो ये सब नहीं होता। तो ये पैनल अभी तक नहीं आया ये पैनल भी आ जाएगा। तो सामने का जो इंडिकेटर है वो भी तो टूट गया था तो इसी कारण के लिए ये इंडिकेटर ऑनलाइन से मंगवाया था। तो इसको इंस्टॉल करेंगे जो मेरे बाइक में लगा हुआ है वही इंडिकेटर इसमें लगाएंगे एंड स्टॉक वाला जो था वो रिमूव कर देंगे। सो गाइस हेड का जो असेंबली है वो तो फिट हो चुका है एंड सामने इंडिकेटर जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि पहले स्टॉक इंडिकेटर जो था वो चेंज कर दिया एक टूट गया था। तो इसी कारण के लिए मैंने बोला कि चारों इंडिकेटर जो है वो एलईडी लगा दें। तो अभी हेड जो है वो सेट हो रहा है। हेड का टोटल असेंबली जो है वो चेंज हो चुका है। सो गाइस इंडिकेटर जो है वो तो फिट हो चुका है। ये एलईडी इंडिकेटर बल्ब नहीं जल रहा है ये वाला इस साइड का जल रहा है। तो इधर पे जो पार्किंग बल्ब रहता है वो नहीं जल रहा है। इधर पे जो पार्किंग बल्ब है वो जल रहा है एंड हेडलाइट भी ठीक है अपर डिपर काम कर रहा है। हेडलाइट कट गया था सिर्फ अपर जो है वो काम कर रहा था अभी तो अपर डिपर सभी काम कर रहा है। एंड मैंने बोला जब एलईडी इंडिकेटर लगाया है तो एक साथ 4 इंडिकेटर जो है वो भी एक बार सेट कर ले। तो इसी कारण के लिए 4 इंडिकेटर सेट करेगा। ये है 4 इंडिकेटर का स्विच ये सेट हो जाएगा इधर पर। सो गाइस ये है पुराना वाला रेडिएटर एंड ये देख सकते हो
किधर पे टूटा है, टूटा ये देखो इधर पे क्रैश हुआ था तो इस जगह एकदम ही डैमेज हो गया एंड इधर से कूलेंट जो है वो लीक हो रहा था एंड अभी न्यू जो रेडिएटर है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरे GoPro में उतना चार्ज नहीं है तो इसी कारण के लिए ज़्यादा वीडियो नहीं कर रहा हूँ। तो अभी न्यू वाला जो वो सेट हो रहा है एंड ये है पुराना वाला, इधर पे ये फैन देख सकते हो। तो एक काम करता हूँ, ये रेडी होने दो, उसके बाद मतलब बाइक फुल्ली रेडी होने दो, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ। सो गाइस हेड का तो काम हो चुका है, आप लोग देख सकते हो न्यू हेड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड इधर पे दो इंडिकेटर जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। एक बार मैं आप लोगों को मैंने बोला था कि जो फोर इंडिकेटर है वो भी इंस्टॉल किया है तो उसको भी आप लोगों को एक बार दिखा देते। ये देखो फोर इंडिकेटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लुक्स अभी कैसा लग रहा है आप लोग एक बार देख लो। एंड इधर पे जो पार्किंग बेल्ट रहता है वो भी चेंज कर दिया तो इसका भी वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे। एंड उसके बाद इधर पे एक विंडशील्ड भी इंस्टॉल होगा, वो नेक्स्ट दिन करेंगे, आज नहीं करेंगे। एंड पीछे अभी जो LED इंडिकेटर है वो अभी इंस्टॉल हो रहा है, जो सामने वाला इंडिकेटर है वो सेम ही इंडिकेटर जो है वो इंस्टॉल होने वाला है। एंड इधर पे रेडिएटर जो टूटा था, इधर पे रेडिएटर जो टूटा था वो अभी इंस्टॉल हो चुका है। पुराना रेडिएटर तो आप लोगों को दिखा दिया था, तो ये इंडिकेटर इंस्टॉल होने दो, उसके बाद आप लोगों को प्राइस एंड टोटल खर्चा कितना आया इसको रिपेयर करने के लिए सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। एंड ये जो पार्ट है ये पार्ट तो बाद में आएगा, ये पार्ट जब आएगा तो उसका भी एक वीडियो जो मैं बना दूंगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये बाइक जो है ये न्यू हो चुका है, तो अभी तो अंधेरा हो चुका है तो इसी कारण के लिए मैं उतना क्लियरली आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब एक बनाऊँगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ये फ्रेम सिर्फ चेंज नहीं हुआ, ये आएगा जब तब इसको चेंज कर दूँगा। एंड इधर पे देखो ये RGB बल्ब है, ये भी न्यू इंस्टॉल किया हुआ है। एंड इधर पे इंडिकेटर, तो बाइक अभी ख़तरनाक तरीके से भागने वाला है क्योंकि रेडिएटर भी ठीक हो चुका है, अभी धीरे धीरे चलाना नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। सो वैसे देख सकते हो अभी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एंड NS 200 BS7 का ये है साउंड, तो फिर से अभी भागने वाला है ये बाइक। एंड फिर से इस बाइक के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोगों को मैं एक बार बिल दिखा देता हूँ कि कितना खर्चा हुआ है। ये देख सकते हो बिल, रेडिएटर चेंज हुआ, हेडलाइट चेंज हुआ, तो हेड फेयरिंग चेंज हुआ, उसके बाद पार्किंग बल्ब जो है मैंने बोला था ये दो पार्किंग बल्ब ये इंस्टॉल किया है, उसके बाद हेड लैम्प मतलब हेड का जो बल्ब है वो भी चेंज हुआ है क्योंकि पहले अपर जो है वो सिर्फ जल रहा था, अभी दोनों ठीक हो चुका है। एंड उसके साथ एक स्विच मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि हैज़र्ड का एक स्विच। इंडिकेटर जो है वो ऑनलाइन से मंगवाया था, वो 250 रुपीज़ ऐसा कुछ पड़ा था, 250 या फिर 200 रुपीज़ ऐसा कुछ पड़ा था इंडिकेटर। मैं उसका लिंक अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। तो ये जो इंडिकेटर है ये अगर आप लोग लगवाना चाहते हो जलपाईगुड़ी से, मतलब ऑनलाइन से नहीं लेना चाहते हो, ऑफलाइन से लेना चाहते हो, तो देवुदा के शॉप में आ सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड इस बाइक के ऊपर और भी वीडियो आने वाला है, आप लोग क्या क्या वीडियो देखना चाहते हो ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।